Hello children, in this video you will get to know how we can add CSS to an HTML document. HTML document में हम लोग CSS को कैसे add कर सकते हैं, कैसे insert कर सकते हैं, okay? CSS is used to apply formatting on HTML pages, okay? We already know that CSS का क्या use है, इसकी help से हम HTML documents में formatting apply कर सकते हैं, okay? और उसमें design apply कर सकते हैं. Fine. There are three ways of inserting a style sheet in an HTML document. So here we have three ways, जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं HTML document के अंदर CSS को insert कर सकते हैं. First we have external CSS, then internal CSS, then inline CSS. Okay. तो अब हम क्या करेंगे? ये जो three ways हैं, इन three ways को practically करेंगे. Okay. ओके, फर्स्ट वी हैव एक्सटर्नल सीएसएस. एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को क्रिएट करते हैं. ओके, और उस एक्सटर्नल फाइल की हेल्प से आप किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. फाइन, तो एक सीएसएस फाइल के यूज से आप कंप्लीट एक वेबसाइट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके. यू कैन फॉर्मेट ऑल द पेजेस ऑफ अ वेबसाइट. ओके, और इसको आप अप्लाई कैसे करते हो? एक्सटर्नल सीएस स्टाइल शीट्स आर डिफाइंड विद इन द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज. ओके, तो क्या करोगे आप, लिंक एलिमेंट की हेल्प से इसको कहाँ पे अप्लाई करोगे? हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज. फाइन, अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आप कैसे करोगे. हमने पहले कमेंट दिया है एक्सटर्नल सीएसएस, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट. ओके, अब आप यहाँ पे डॉक टाइप दे रहे हो. डॉक टाइप क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है. ओके, यू आर टेलिंग इट टू द ब्राउजर कि हम एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं. फाइन, देन एचटीएमएल, ओके, हेड, इन हेड सेक्शन यू विल यूज लिंक टैग. ओके, अब लिंक के अंदर आप एट्रीब्यूट करोगे यूज रेल. रेल इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर रिलेशन. ठीक है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? रिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है. तो ये क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द करेंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक डॉक्यूमेंट. ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि जो आपका करेंट डॉक्यूमेंट है और जिस डॉक्यूमेंट से आप लिंक कर रहे हो उसमें क्या रिलेशनशिप है. ओके, तो यहाँ पे हमारा करेंट डॉक्यूमेंट क्या है? एचटीएमएल है. और हम किससे लिंक कर रहे हैं? हम लिंक कर रहे हैं स्टाइल शीट के साथ. फाइन, एच आर ई एफ. एच आर ई एफ एट्रीब्यूट से आप क्या देते हो? रेफरेंस देते हो, मीन्स एड्रेस दे. आप इसके अंदर एड्रेस दोगे उस फाइल सी एस एस फाइल का जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो. तो मैं यहाँ पे जैसे मैं कर देती हूँ माई स्टाइल डॉट सी एस एस. मैंने एक फाइल बनाई है माई स्टाइल, अभी बनाई नहीं, हम वो भी बनाएंगे. ठीक है, डॉट सी एस एस. और मैंने यहाँ पे कर दिया हेड को क्लोज. फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेड सेक्शन के अंदर लिंक एट्रीब्यूट की, सॉरी लिंक टैग की हेल्प से स्टाइल शीट को क्या किया है, इंसर्ट किया है. फाइन, ओके, आफ्टर हेड टैग यहाँ पे हम बॉडी टैग दे देते हैं. बॉडी, बॉडी के आप अंदर आपने दे दिया H1, दिस इज हेडिंग H1 close. Okay. Next, I am giving paragraph tag. This is paragraph simple. Fine. Okay. Body close and then statement. फाइन, ओके, तो हमने एक क्या किया है, एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को हमने लिंक किया है स्टाइल शीट से. ओके, और स्टाइल शीट का एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है माई स्टाइल डॉट सी एस एस. फाइन, ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं. यहाँ पे मैं इसका नेम दे देती हूँ एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल. ओके, गिवन. अब हमने बना लिया है इसको, एस्टिमेट डॉक्यूमेंट को बना लिया. नेक्स्ट हमें क्या करना है, जिस स्टाइल शीट के साथ इसको लिंक करना है उसको क्रिएट करना है. फाइन, तो उसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ. यहाँ पे मैंने बना लिया, बॉडी टैग दिया, बॉडी टैग के अंदर मैं देती हूँ एट्रीब्यूट बैकग्राउंड
कलर, कलर आप दे दो, बैकग्राउंड कलर आप दे दो लाइट ब्लू, लाइट ब्लू फाइन। ओके okay. और H1 हेडिंग के लिए मैं दे देती हूँ यहाँ पर फॉर्मेटिंग, कलर रेड फाइन, मार्जिन लेफ्ट, हमने लेफ्ट मार्जिन दिया है इसका 40 पिक्स फाइन। ओके तो हमने क्या किया, बॉडी की फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू, एंड H1 टैग की आपने फॉर्मेटिंग दी है, कलर दिया है रेड, एंड लेफ्ट मार्जिन मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल्स फाइन। अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। इसको किस नेम से सेव करना है, जो हमने वहां पे एड्रेस दिया है, माई स्टाइल, mystyle.css फाइन, सेव। ओके अब आपको क्या करना है, जो आपकी एक्सटर्नल फाइल है उसको ओपन करना है फाइन। एक्सटर्नल हमारी यहाँ पे फाइल है, इसको ओपन करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। इट इज टेकिंग सम टाइम, लोड हो रहा है। ओके नाउ वी कैन सी द रिजल्ट। देखो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो आपने दिया था लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कलर आ गया है फाइन। आपने H1 हेडिंग में दिया था कलर रेड, रेड कलर हेडिंग में आया है, एंड आपने मार्जिन जो लेफ्ट मार्जिन दिया था 40 पिक्सल दिया था, तो लेफ्ट मार्जिन का 40 पिक्सल है। लेकिन हमने क्या किया था, पैराग्राफ में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दी थी फाइन। यू कैन सी इन द एक्सटर्नल फाइल, सी यहाँ पे सिर्फ हमने H1 को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है। H1 के लिए आपने क्या दिया है, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपने पैराग्राफ दिया था उसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। ओके सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई एक्सटर्नल सीएसएस टू योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एक्सटर्नल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके Now we have internal CSS. Okay, internal CSS is used to apply CSS on a single document or a page. So internal CSS की help से हम क्या कर सकते हैं, formatting कर सकते हैं single page की या single document की. Okay, it can affect all the elements of the page. तो internal CSS की help से एक particular page को completely format कर सकते हैं. Okay, और इसको लिखते कैसे हैं, it is written inside the style tag within head section of HTML. तो हम इसको क्या, जैसे हमने external में क्या क्या किया था, एक आउटर फाइल बनाई थी, बट इंटरनल के अंदर आपको क्या करना है, विद इन द डॉक्यूमेंट आपको इसको क्रिएट करना है यूजिंग द स्टाइल टैग, और कहां पे इसको बनाना है, हेड सेक्शन में फाइन। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इंटरनल सीएसएस फाइल हियर फाइन। ओके सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आपने क्या किया, डॉक टाइप दे दिया, डॉक टाइप एचटीएमएल फाइन, देन HTML, ओके हेड। अब हेड के अंदर आप क्या दोगे, स्टाइल टैग के अंदर आप क्या करोगे, इंटरनल सीएसएस डिफाइन करोगे स्टाइल टैग की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल दिया, अब आप जो भी टैग्स को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, वो स्टाइल टैग के अंदर आप वो टैग्स और उनका डिक्लेरेशन ब्लॉक डिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, बॉडी टैग को डिफाइन किया, बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेटिंग मुझे करनी है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप दे दो ग्रीन, ग्रीन फाइन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया मैंने। ओके बॉडी के अंदर ग्रीन या फिर पिंक देते हैं। ओके पिंक राइट फाइन। अब H1 हेडिंग हमको H1 हेडिंग को हम दे देते हैं कलर
मरून, ओके, एंड मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, ओके, एंड देन स्टाइल, एंड दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, आप इसको किसी भी केस में लिख सकते हो, फाइन। तो आपने हेड सेक्शन में क्या किया, इंटरनल सीएसएस को डिफाइन कर दिया है, हेड क्लोज। अब यहां पे हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी H1, दिस इज अ हेडिंग H1, ओके। नेक्स्ट आई एम गिविंग पैराग्राफ्स, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी क्लोज एंड देन HTML, सॉरी HTML क्लोज, ओके। तो यहाँ पे देखो जो इंटरनल सीएसएस क्या है, वो हमने एस्टीमेट डॉक्यूमेंट के अंदर ही डिफाइन की है, हेड टैग के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग, फाइन। स्टाइल टैग के अंदर आपने क्या दिए, एट्रीब्यूट्स दिए हैं, टैग्स दिए हैं जिनको आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करने चाहते हो, ठीक है, वो टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज, फाइन। तो यहाँ पे हमने बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया है एंड H1 को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर दिया, फाइन। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको मैं देती हूँ इंटरनल डॉट HTML, फाइन। इंटरनल डॉट HTML मैंने इसका नेम दे दिया है इंटरनल, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, देखो आपका बैकग्राउंड कलर क्या आया है, इसका पिंक आया है, फाइन, ओके। एंड आपने क्या किया था, मरून दी थी आपने हेडिंग, और आपने जो मार्जिन था लेफ्ट से वो 40 पता नहीं 50 पिक्सल्स का दिया था, ठीक है, वी कैन यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ हमने 50 पिक्सल्स का मार्जिन दिया था, ठीक है। पैराग्राफ में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दी थी तो वो अप्लाई नहीं हुई, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल सीएसएस, ओके। आपने इंटरनल सीएसएस को क्या किया है, विद इन द डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दिया है, फाइन, ओके। नाउ वी हैव इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का क्या यूज है, एंड इनलाइन सीएसएस में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। इनलाइन सीएसएस की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। टू यूज इनलाइन स्टाइल, एड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलिवेंट एलिमेंट। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को प्रोवाइड करनी है फॉर्मेटिंग, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग को यूज करके फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइन, ओके। सो लेट अस डू इट, इसको हम करते हैं, डॉक टाइप HTML, ओके, HTML, देन बॉडी, राइट। अब हम मुझे क्या करना है, H1 जो मेरा टैग है, एलिमेंट है, एस्टिमेल एलिमेंट, आप टैग भी कह सकते हो, एस्टिमेल एलिमेंट भी कह सकते हो, उसको मुझे फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करनी है। तो मैं इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके H1 टैग के स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करूंगी, ठीक है, एंड देन आई विल गिव द एट्रीब्यूट एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कलर दे दिया, कलर H1 में कलर मैंने दे दिया ब्लू, फाइन, देन टेक्स्ट अलाइन आप दे दो सेंटर, ओके, टेक्स्ट अलाइन आपने दे दिया सेंटर, फाइन, ओके। नाउ यू कैन राइट दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, फाइन, ओके। देन
नेक्स्ट आप पैराग्राफ टैग ले लो, फाइन, उसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट में दोगे कलर रेड, लेट अस सपोज, ओके, और कुछ और भी स्टाइल देना चाहते हो, चलो हमने यहाँ पे दिए कलर रेड, सिंपल दिस वन, ओके, और आप दे देंगे दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ओके, देन बॉडी क्लोज राइट एंड HTML close, fine. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड किया है, ठीक है, HTML एलिमेंट में स्टाइल शीट का यूज किया है, फाइन. तो इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS, इसको हम सेव कर लेते हैं, इनलाइन डॉट HTML में इसको नेम देती हूँ, ठीक है, सेव, फाइन. नाउ वी विल सी, देखो यहाँ पे आ गया ओपन विथ गूगल क्रोम, फाइन, लोड हो रहा है ये, देखो दिस इज द रिजल्ट. आपने क्या कहते हैं, हेडिंग को दिया था, एक पर्टिकुलर हेडिंग टैग को दिया था, ओके, क्या दिया था, कलर ब्लू एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये आपका हेडिंग आ गया, कलर ब्लू एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर हेडिंग है, तो इसलिए इसका साइज भी क्या है, बिग है, फाइन. देन आपने पैराग्राफ को सिर्फ एक ही स्टाइल शीट के थ्रू एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, कलर रेड, तो आपका पैराग्राफ आ गया रेड, ओके. तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, इनलाइन स्टाइल शीट को, और यू कैन से इनलाइन CSS को, फाइन, ओके. नाउ वी हैव मल्टीपल स्टाइल शीट्स. मल्टीपल स्टाइल शीट्स से यहाँ पे क्या मतलब है, अगर आपने एक ही एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल शीट्स में, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट में और इंटरनल स्टाइल शीट में, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है H1, ठीक है, हेडिंग टैग है, हेडिंग एलिमेंट है, उसके लिए मैंने एक्सटर्नल में भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है और इंटरनल में भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, तो इस केस में कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, ठीक है, तो कौन सी होती है, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज, मतलब जो स्टाइल शीट लास्ट में आपका जो रीड होगी, ठीक है, जो भी स्टाइल शीट लास्ट में रीड होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्लाई होती है, उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, फाइन. तो देखो मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से करके दिखाती हूँ, पहले यहाँ पे हम लेते हैं, ओके, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल CSS बनाएंगे पहले, ओके, तो हम इसको हम करके देखेंगे, यहाँ पे डॉक टाइप आपने ले लिया HTML, फाइन, HTML टैग हेड, ओके, हेड में हमने क्या किया, यहाँ हम एक्सटर्नल CSS को ऐड कर रहे हैं, स्टाइल शीट, फाइन. आप टाइप एट्रीब्यूट भी दे सकते हो, टाइप में आप क्या बताओगे कि आपका ये क्या है, टेक्स्ट है, CSS, ओके, HREF, माई स्टाइल डॉट CSS, ये हमने अभी बनाई थी माई स्टाइल फाइल, ओके, एक्सटर्नल, फाइन, ओके. अब हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS भी इसमें क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल, फाइन, और H1 को हम दे देते हैं कलर ऑरेंज, फाइन, ओके, कलर ऑरेंज दे दिया, और स्टाइल शीट को अब यहां पे हम लोग क्लोज कर देते हैं, फाइन, एंड देन हेड क्लोज, बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग H1 हेडिंग दे देते हैं, दिस इज हेडिंग H1, फाइन, बॉडी क्लोज एंड
HTML क्लोज। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या किया है, आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नल सीएसएस को अप्लाई किया है और इंटरनल भी दिया है। और यहाँ पे इंटरनल के अंदर H1 की आपने जो कलर दिया है वो ऑरेंज दिया है, ओके। और जो यहाँ पे हमारी माई स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है, इसके अंदर हमने H1 के लिए कलर दिया है रेड, फाइन। तो कौन सा अप्लाई होगा, जो बाद में रीड हुआ है, लास्ट रीड, तो यहाँ पे इंटरनल सीएसएस काम करेगी, ठीक है। इसको मैं करके दिखाती हूँ, आपने सेव कर दिया कंट्रोल एस, ठीक है। इसको मल्टीपल नेम से सेव कर देते हैं, डॉट एस टी एम एल, फाइन। इसको हमने सेव कर दिया मल्टीपल डॉट एस टी एम एल, ये हमारी फाइल है ओपन विद गूगल, फाइन। लोड हो रही है, देखो अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर तो क्या हुआ आया है, एक्सटर्नल जो आपने फाइल ली थी, एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई किया है उसका आ गया है, लेकिन जो हेडिंग है उसमें आया ऑरेंज, भाई क्योंकि हमने हेडिंग की फॉर्मेटिंग दो जगह दी थी, एक एक्सटर्नल में भी एक इंटरनल में भी, लेकिन इंटरनल क्या है हमने बाद में दी है, एक्सटर्नल जो देखो यहाँ पे ये हमारी मल्टीपल फाइल, देखो यहाँ पे माई माई स्टाइल में देखो यहाँ पे हमने क्या दिया है, रेड कलर दिया है, ठीक है, और बैकग्राउंड दिया लाइट ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर की तो फॉर्मेटिंग आ गई है, फाइन। लेकिन देखो इस फाइल के अंदर देखो आप यहाँ पे लास्ट जो लास्ट में आया वो कौन सा, इंटरनल सीएसएस, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल सीएसएस अप्लाई, फाइन। और अगर हम इसको उल्टा कर दे, हम इसके इसको पहले कर दे कंट्रोल एक्स, इसके बाद कंट्रोल वी, ठीक है, इसको हमने बाद में लगा दिया, इसको हम सेव कर देते हैं, फाइन, ओके। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अब लास्ट रीड क्या है, एक्सटर्नल फाइल लास्ट रीड है, फाइन। आप देखो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश, देखो अब क्या हुआ, रेड कलर आ गया है, तो उसने कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है इसके अंदर, फॉर्मेटिंग अब इसके अंदर अप्लाई हुई है एक्सटर्नल फाइल वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था एक्सटर्नल फाइल को बाद में, तो लास्ट रीड जो फाइल होगी उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, अगर आपने एक ही एलिमेंट को दो जगह या तीन जगह फॉर्मेटिंग दे रखी है, फाइन, ओके। सो हियर वी हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ सीएसएस, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन सीएसएस, फाइन।